An organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is called. ये क्वेश्चन 2006 में IIPMT में पूछा गया था और इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो एंजाइम से बाउंड होकर के होता है और ये उसके लिए एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए. तो इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? तो जितने भी एंजाइम जो एंजाइम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स. एंड ऐसे कोफैक्टर्स जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं एंड ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि नॉन प्रोटीन होते हैं और मोस्टली डेरिवेटिव्स होते हैं विटामिन्स के और विटामिन सॉल्युबल होते हैं वाटर में. तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये एपो एंजाइम प्रोटीन मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं और साथ ही साथ एपो एंजाइम प्रोटीन मॉलिक्यूल को बाइंड करके प्रोड्यूस क्या करते हैं, होलो एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं. तो ऐसे कोफैक्टर्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं को एंजाइम्स दैट आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. सो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, को एंजाइम.